एक गांव में मनीष नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो चिकन समोसा बेचते हुए अपना जीवन गुजारता था। मनीष के बनाए चिकन समोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे। उसका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलता था। सब उसके चिकन समोसा की तारीफ करने लगे तो धीरे धीरे मनीष के मन में अहंकार बढ़ने लगा। एक बार एक आदमी मनीष के पास आकर चिकन समोसा खाया और वाह मनीष, तुम्हारा चिकन समोसा बहुत बढ़िया है, कहा मनीष। तब नहीं तो क्या, मेरे चिकन समोसा के बारे में क्या सोचे, मेरे जैसा बढ़िया चिकन समोसा इस पूरे दुनिया में कोई बना नहीं सकता, कहा। दिन ब दिन मनीष अपने समोसा के बारे में सबसे डिंगे मारने लगा। लोग ऊब जाते थे मगर उसे कुछ कह नहीं पाते थे। एक बार मनीष के पास विक्रम नाम का एक आदमी आया। विक्रम मनीष के पास चिकन समोसा खाकर कुछ कहे बिना पैसे देकर चलने लगा। मनीष को तारीफें सुनने की आदत पड़ गई थी। विक्रम कुछ नहीं कहने पर मनीष विक्रम से, क्यों भाई समोसा कैसा है, पूछा। विक्रम तब, हाँ ठीक ठाक है, सब इसके बारे में बात कर रहे तो स्वाद चखने के लिए आया था, मैं इससे भी अच्छा चिकन समोसा बना सकता हूँ, कहा। ये सुनकर मनीष गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या तुम मुझसे भी स्वादिष्ट समोसा बनाओगे? आसपास के 50 गांव में मुझसे बढ़िया चिकन समोसा बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसे यूं ही बात करके चले गए तो नहीं चलेगा, मुझसे बढ़िया समोसा बना सकोगे कहकर साबित करो, कहा विक्रम तब। मुझे तुम्हें साबित करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कहा। मनीष बहुत अपमानित महसूस किया। ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं 15 सालों से चिकन समोसा बेच रहा हूँ, अब तक किसी ने भी मेरा चिकन समोसा अच्छा नहीं है कहकर नहीं कहा। तुम पहले आदमी हो इसलिए तुम्हें साबित करना ही होगा। अगर तुम मुझसे भी बढ़िया चिकन समोसा बनाओगे कहकर साबित किए तो मैं मेरा व्यापार बंद कर दूंगा, कहा विक्रम तब। ठीक है, चुनौती दे रहे हो ना तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगले रविवार के दिन हम दोनों चिकन समोसा बनाने की प्रतियोगिता रखेंगे। गांव वाले उन्हें खाकर वोट देंगे, जिसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वही उस गांव में व्यापार करेगा। हारने वाला जिंदगी में कभी व्यापार नहीं कर सकता, कहा मनीष तब। ठीक है मैं तैयार हूँ, कहा। वहाँ मौजूद लोग इनके बीच में हुए झगड़े को देखे। चाहे जो भी जीते एक दिन मुफ्त में चिकन समोसा खा सकते हैं कहकर सब खुश हुए। प्रतियोगिता का दिन पास आ रहा तो मनीष और विक्रम दोनों के मन में घबराहट होने लगी। दोनों प्रतियोगिता में जीतने के लिए चिकन समोसे बनाने की प्रैक्टिस करने लगे। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव वाले गांव के बीच में इकट्ठा हुए। प्रतियोगिता होने वाले जगह पर 3 समोसा स्टॉल्स तैयार थे। ये देखकर मनीष और विक्रम आश्चर्य में पड़ गए। वो तीसरा आदमी कौन है कहकर दोनों सोचने लगे थे। तभी एक लड़की वहाँ पर आई। वो विक्रम और मनीष से, मैं इस गांव में रहने वाले हरिदास जी की बेटी हूँ, मेरा नाम गौरी है, हाल ही में होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा की। आप दोनों के बीच में के प्रतियोगिता के बारे में मैंने सुना है, मेरे हुनर को टेस्ट करने के लिए इससे बढ़िया अवसर फिर नहीं मिलेगा सोचकर मैं भी समोसा बनाने की सोच रही हूँ। आप दोनों के तजुर्बे के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगी, अभी अभी खाना बनाना सीख रही हूँ, खुद का व्यापार शुरू करने के लिए सोच रही हूँ, प्लीज मना मत कीजिए, बोली। उसके बारे में सुनकर मनीष विक्रम दोनों गौरी को बहुत हल्के में लिए। सब अपने अपने स्टॉल्स में चले गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। तीनों चिकन समोसा बनाने लगे। समोसे बनाना पूरा हुआ। गांव वाले एक एक करके आकर तीनों के बनाए समोसों को खाकर वहां रखे एक डिब्बे में अपने वोट्स डाले। थोड़ी देर के बाद वोट्स डालना पूरा हुआ। गांव का सरपंच डिब्बे को लेकर वोट्स गिनने लगा। मनीष और विक्रम दोनों वो ही जीतेंगे कहकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। एक घंटे के बाद गांव का सरपंच आकर, चिकन समोसा बनाने के प्रतियोगिता में ज्यादा वोट्स पाकर विजेता बनी कुमारी गौरी, कहा। सब तालियां मारने लगे।
मनीष और विक्रम दंग हो गए। गौरी, सबको मेरा प्रणाम। मैं मनीष जी और विक्रम जी के समोसे बनाने के तरीके को देखकर दोनों के स्टाइल को मिलाकर इस चिकन समोसे को तैयार की। मुझे जितवाने के लिए आपको और समोसा तैयार करना सिखाने के लिए मनीष जी की और विक्रम जी की मैं आभारी रहूंगी। बोली। ये सुनकर मनीष विक्रम दोनों बेहोश होकर नीचे गिर गए।